यो राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड 350 का। हालांकि मैंने रिव्यू कर लिया है ऑलरेडी इस बाइक का, लेकिन इसका जो कलर ये है, ये ब्लैक वेरिएंट है, ये नया अभी आया है मैट फिनिश के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ग्लॉसी टच के साथ आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये बाइक। बाकी एक डिटेल में तो रिव्यू नहीं करूँगा, लेकिन आपको बाइक एक दिखा देता हूँ। डिटेल में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो वाली वीडियो देख सकते हैं इसमें, लेकिन कुछ डिफरेंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप बाइक देख लीजिए। तो ग्लॉसी कलर है, तो शाइन भी अच्छा है, चमक भी अच्छी रही है बाइक। मैं इसको एक बार ऑन भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी चाबी लगी होगी, हाँ ये रही इसकी चाबी। और इसको जरा एक बार ऑन करके दिखाता हूँ मैं। तो ये है, सॉरी बैटरी का सेटअप नहीं है इस बाइक में, तो अनफॉर्चुनेटली ऑन नहीं होगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी एक बाइक का ओवरव्यू दे देता हूँ। चाबी रख दी है मैंने, तो बात करेंगे हम लोग फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हाइलोजन का सेटअप मिलता है। इसमें जो टर्न इंडिकेटर है ये बदल दिए गए हैं इस हंटर में। बाकी मैं यहाँ पे एक हंटर खड़ी है, ये देख सकते हैं, इसमें टर्न इंडिकेटर आपको हाइलोजन के मिलते हैं राउंड शेप में, बट वहां पे आप देख सकते हैं अलग मिले हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें, तो ये एक डिफरेंस है। मुझे ये वाले पर्सनली मुझे कुछ ज्यादा बेटर लग रहे हैं, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल फील दे रहे हैं मुझे। बाकी सस्पेंशन देख सकते हैं आप, मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश, ग्लॉसी टच के साथ आपको मिडगार्ड मिल जाता है, डिस्क मिल जाती है, एबीएस मिल जाता है, 300 mm की डिस्क मिल जाती है, एबीएस मिल जाता है। फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इस तरफ से आप देखें साइड प्रोफाइल से आपको मैट फिनिश के साथ इंजन मिल जाता है, जो काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। टैंक पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है रेड कलर में, जो काफी बढ़िया लग रही है। इस तरफ आपको मिल जाती है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग गोल्डन कलर में। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड मिल जाता है, डुअल स्टैंड अभी इसमें लगा नहीं, बट डुअल स्टैंड भी इसमें आता है। सॉरी डुअल स्टैंड इसमें नहीं आता है, तो उसमें आपको सिर्फ साइड स्टैंड ही प्रोवाइड करा गया है। बाकी ओपन चेन कवर का आपको सेटअप मिल जाता है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे रेयर में चलते हैं, तो रेयर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लग रही है बाइक, जो अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। एग्जॉस्ट मफलर सेम आपको मिल जाता है, ये मैट फिनिश के साथ। इस तरफ से मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ, तो इंजन पे आपको ब्रांडिंग में मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की। तो एक बढ़िया बाइक मिली है, कलर भी इसका काफी बढ़िया लग रहा है अभी तक का, ये बेस्ट कलर है ब्लैक कलर। तो बढ़िया लग रही है, आपको कैसी बाइक लगी कॉमेंट करके जरूर बताइए। अब इसके ऑन रोड प्राइस की बात कर लूँ, तो अब ये आपको ऑन रोड पड़ जाती है लखनऊ में 1,78,000 रुपये की। ये मैंने लखनऊ का प्राइस बताया है, हो सकता है दूसरे स्टेट में 1,000-1,500 का अंतर हो, बट लखनऊ में आपको 1,78,000 रुपये की पड़ जाती है। सीट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। बाकी स्पीडोमीटर तो देने आपको दिखाई, स्पीडोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, सेमी डिजिटल मीटर। तो आई होप ये एक शॉर्ट रिव्यू पसंद आया हो इस बाइक के बारे में। और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये बाइक लेनी है तो आप आलमबाग में आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, राम राम।